नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कितने जरूरी हैं, ये कल रात एक बार फिर से साफ हो गया, क्योंकि धोनी के बगैर उतरी चेन्नई की टीम को धोकर रख दिया रोहित की सेना ने। चपोक के जिस मैदान पर धोनी अपनी टीम को इस सीजन अजय बनाए हुए थे, उसी मैदान पर धोनी के धुरंधर ऐसे ढेर हो गए जैसे वो बल्लेबाजी करना ही भूल गए हों, जिस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को इस सीजन पहली बार अपने होम ग्राउंड पर 46 रन की बड़ी हार का सामना करना पड़ा। चेपॉक में खेले गए इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी फीवर की वजह से खेलने नहीं उतरे और ऐसे में रैना की कप्तानी में सुपर किंग्स मुंबई से मुकाबला करने उतरी। लेकिन पहले रोहित ने कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी टीम को 155 रन तक पहुंचा दिया और फिर मुंबई के गेंदबाजों ने सुपर किंग्स के बल्लेबाजों की हालत खराब करके रख दी और वॉटसन, रैना, रायडू, जाधव जैसे धोनी के धुरंधर दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से चेन्नई की पूरी टीम 109 रन पर ढेर हो गई और चेन्नई को अपने ही घर में 46 रन की हार का सामना करना पड़ा। मुंबई के लिए रोहित ने 67 रनों की पारी खेली तो मलिंगा ने 4 विकेट चटकाए, वहीं बुमराह और कृणाल पांड्या ने 2-2 बल्लेबाजों को आउट किया। चेन्नई के सीजन 12 मैच में चौथी हार है, जबकि मुंबई की 11 मैच में 7वीं जीत। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और अमित भंडारी मौजूद हैं। मनिंदर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का ये मुकाबला और जिस तरह का रिकॉर्ड चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स का था, इस तरह की हार की उम्मीद नहीं थी? देखिए, महेंद्र सिंह धोनी के बिना हमने देखा है, ये दूसरा मैच था चेन्नई सुपर किंग्स का। पहले मैच में भी 132 पर ढेर हो गई थी चेन्नई की टीम और यहाँ पर 156 चेस करते हुए 109 पर आउट हो गई चेन्नई की टीम। और मुझे हैरानगी होती है, परसों एक मैच हुआ था जिसके कप्तान कह रहे थे कि कप्तान को एग्जाम्पल सेट करना है। अगर आप दिनेश कार्तिक की बात करें, और उन्होंने अब देखो इस पूरे सीजन में एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश ही नहीं की, नंबर 5 नंबर 6 पर बैटिंग करते रहे। कल का मैच हारने के बाद सुरेश रायना, जो कि कप्तान थे धोनी की एब्सेंस में, उन्होंने कहा कि हमें अपनी बैटिंग ऑर्डर जो है उसमें बैट्समैन को समझना होगा, अपनी जिम्मेदारी को। खुद जिस तरह का शॉट खेलकर आउट हुए वो वहां पर बनता ही नहीं था उनका, क्योंकि चौथी बॉल को उड़ाने गए आउट हुए, क्योंकि जब धोनी नहीं है तो ऐसे सीनियर प्लेयर्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन धोनी के बिना ये हेडलेस सी टीम लगती है चेन्नई सुपर किंग्स की, अगर आप देखें। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब धोनी नहीं होंगे इस टीम में अगले सीजन, नहीं तो उससे अगले सीजन, तो फिर इस टीम को बहुत मुश्किल हो जाएगी टॉप 4 में भी आने के लिए। बिल्कुल अमित जी, आपको भी लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी नहीं है तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कुछ भी नहीं है? क्योंकि अगर रैना जैसे सीजनड प्लेयर, जो सबसे कामयाब खिलाड़ी हैं इस लीग के, वो भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं खेलते हुए दिखाई पड़े, दूसरे खिलाड़ियों को वो यहाँ पर एकजुट नहीं कर पाए, तो इस तरह के रिजल्ट ही सामने आएंगे? देखिए, रिजल्ट तो आएंगे, क्योंकि आपके कप्तान जो पूरे सीजन परफॉर्म करता रहा, अगर आप कुछ साल पहले जब पीछे जाए तो ऐसा नजर नहीं आया था कि आप इस टीम को ओवरटेक कर सको। कोई भी ओवरटेक क्यों करे कि धोनी मिस है, कहीं ना कहीं कप्तानी का फर्क जरूर पड़ता है, एक्सपीरियंस का फर्क जरूर पड़ता है। पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम नजर आई है कि चेंजेस, क्योंकि मैं कल फैफ डुप्लेसी नहीं खेले, क्या रीजन था पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लेयर आपके लिए परफॉर्म कर रहा है वो भी बाहर जा रहा है, शेन वॉटसन। कहीं ना कहीं जो उनका मध्य क्रम था, केदार यादव, रैना, रायडू, ये पूरे अगर आईपीएल की बात करें क्लिक नहीं किया, तो स्ट्रगल इसलिए चेन्नई कर रही, क्योंकि जब तक आपका कोई प्लेयर रन नहीं करेगा तो आप नहीं जीत सकते, खाली धोनी पे ही डिपेंड रहेंगे। और अगर धोनी के पहले मैच से लेके और 11वें मैच तक देखे चेन्नई, तो जिसके अंदर 5 मैच में धोनी ने टीम को जीता है, तो यहाँ एक चीज दिखती है कि आपका मध्यक्रम अभी भी वीक है, धोनी नहीं खेलेंगे तो हाश यही होगा चेन्नई का। और मुझे एक चीज और करुण समझ नहीं आती है, जब आप इस तरह की पिचेस के ऊपर खेल रहे हैं, आप इतने टाइम से खेल रहे हैं, इतने सीजन से खेल रहे हैं, अगर आप केदार यादव की बात करें, रायडू की बात करें, तो आप अपने आप को एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? धोनी कैसे एडजस्ट करते हैं? सो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और केदार यादव तो वर्ल्ड कप की टीम में, इंडिया की टीम में, और जिस तरह की लय में, जिस तरह की फॉर्म में है, ये एक समस्या भी हो सकती है इंडियन टीम के लिए। क्योंकि आप ठीक है, आप इस तरह की पिचेस के ऊपर खेल रहे हैं जहां पर कि बहुत मुश्किल हो रहा है, फिर आप जब इंग्लैंड में खेलेंगे ऐसी मुश्किल पिचेस नहीं मिलेंगी, लेकिन वहां पर सीमिंग पिचेस मिलेंगी, और जब आपने रन्स ना बनाए हो, परफॉर्मेंस ना की हो, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं गिरा होता है। सो केदार यादव, मैं सोच रहा था कि आप वर्ल्ड कप की टीम में हैं, आप थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ खेलेंगे, लेकिन वो भी रन्स नहीं बना रहे हैं। सो ये एक समस्या हो चुकी है चेन्नई। क्या इन खिलाड़ियों को ये लगता है कि चलो नीचे धोनी तो है ना, जब वो टीम में होते हैं और उसके बाद खुलकर खेल रहे होते हैं, विराट कोहली की भी बात कर ली जाए तो यहाँ पर जिस तरह की कप्तानी होनी चाहिए वो कप्तानी करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्या अमित जी निर्भरता महेंद्र सिंह धोनी पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है सबकी? देखिए, एक्सपीरियंस प्लेयर तो हैं, मैच उन्हें प्लेयर हैं, कोई शक नहीं है इसमें, पर बात वही होती है कि जिस टीम को आप इतने साल से चला रहे होते हो तो उनको पता होता है कि मेरा प्लेयर कौन क्या कर सकता है, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंस विकेट पे होती है ना, उससे प्लेयर भी कई रन करते हैं।
जब प्रेजेंस नहीं होता तो एक चीज नजर आती है कि शायद वो लीडरशिप नहीं है चेन्नई के पास धोनी के बाद। तो अगर आप बैकअप में देखें तो रैना ही दिखे हैं हर बार, ऐसा और कोई प्लेयर नजर नहीं आया कि ओवरसीज प्लेयर, जैसे ब्रावो खेले इतने साल, आज तक उन्हें कप्तानी नहीं दी इस टीम की। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेयर को कप्तान बनना चाहिए धोनी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, टीम को जिता सके। जैसे मनी भैया ने कहा कि जो शॉट उन्होंने खेला, अगर आप कप्तान है तो कप्तानी पारी खेलनी ही पड़ती है, कई बार अपनी टीम को लेके आगे जाना पड़ सकता है। तो ये चीज चेन्नई को करना पड़ेगा अगर धोनी नहीं खेलेंगे, क्या रहना बेस्ट कैप्टन है या इसके बाद भी कोई ऐसा कप्तान है जो धोनी को टेक ओवर कर सकता है। मुझे थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी होते हैं तो सभी खिलाड़ी रिलैक्स हो जाते हैं, टीम के कोई भी किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन या फोकस लेवल उतना नहीं रहता है, यही सोचते हैं कि धोनी है वो अपने आप कर लेंगे। क्योंकि जिस तरह से हम रैना की भी बात कर रहे हैं या कोई और खिलाड़ी जिसको कप्तान बनाया जा सके, मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। क्यों? क्योंकि जब धोनी कैप्टन होते हैं तो प्रोबेबली बाकी सारे स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी। बिल्कुल, इस तरह की परेशानी होती है। और 2015 के बाद से चेज करते हुए भी चेन्नई की टीम कभी नहीं आ रही थी और वो रिकॉर्ड भी यहां पर टूट गया। जब महेंद्र सिंह धोनी नहीं हो तो फिर क्या हो सकता है, ये कल के मुकाबले में देखने को मिला। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन T20 लीग में आज होने वाले मुकाबले की, जिसमें आज टक्कर है दो ऑस्ट्रेलियन की। एक तरफ जहां स्टीव स्मिथ राजस्थान रॉयल्स की टीम में जीत का रंग भरने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी ओर डेविड वार्नर हैदराबाद के लिए हल्ला बोलेंगे। और राजस्थान हैदराबाद की यह जंग जयपुर में रात 8 बजे से शुरू होगी, जिसमें राजस्थान की टीम हैदराबाद से पिछली हार का बदला लेने की कोशिश करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। वार्नर को स्मिथ का चैलेंज, रहाणे लेंगे भुवनेश्वर से बदला। जयपुर में होगी जोरदार जंग रॉयल्स के निशाने पर सनराइजर्स। राजस्थान और हैदराबाद के बीच इस सीजन की दूसरी जंग जयपुर में रात 8 बजे से होगी। पिछली बार जब हैदराबाद में दोनों टीमों की जंग हुई थी तो उसमें हैदराबाद ने 5 विकेट से राजस्थान को हरा दिया था। उस मैच में सैमसन के शतक के दम पर राजस्थान ने 2 विकेट पर 198 रन का बड़ा स्कोर बनाया था, लेकिन हैदराबाद ने 5 विकेट पर 201 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया था। डेविड वार्नर ने सीजन 71.75 की औसत और 146.05 की स्ट्राइक रेट से 10 मैच में 574 रन बनाए हैं, जिसमें वार्नर ने 1 शतक लगाए हैं तो 7 अर्धशतकीय पारी खेले। रियान पराग पिछले 4 मैचों में 2 मैच विनिंग पारी खेल चुके हैं और कोलकाता के खिलाफ पिछले मैच में भी रियान पराग ने 31 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए थे। कप्तानी संभालने के बाद से स्मिथ और भी जिम्मेदार बन चुके हैं तो रहाणे भी पूरी तरह से रंग में लौट चुके हैं। और जयपुर में खेले गए पिछले मैच में रहाणे ने शतकीय पार किया था तो सैमसन ने हैदराबाद के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। अजिंक्य रहाणे ने जयपुर के पिछले मैच में 63 गेंदों पर नाबाद 105 रन की पारी खेली थी तो हैदराबाद के खिलाफ रहाणे ने 49 गेंद पर 70 रन बनाए थे। वहीं संजू सैमसन ने हैदराबाद के खिलाफ 55 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाए थे। वहीं बॉलिंग में भी राजस्थान के पास आर्चर की जगह लेने के लिए वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज थॉमस मौजूद हैं, तो वरुण एरोन ने भी कोलकाता के खिलाफ दमदार गेंदबाजी कर मोर्चा संभाल लिया है। तो पलड़ा तो यहां पर राजस्थान का भारी नजर आ रहा है, लेकिन वार्नर की काट क्या ढूंढ पाएंगे? मनिंदर जी, आपको लगता है कि रणनीति वो बन सकती है जिसमें कि पिछली हार का बदला ले सके राजस्थान की टीम? देखिए, राजस्थान की टीम जिस तरह की लय में आई है और जिस तरह से नए खिलाड़ियों को उन्होंने मौका दिया है, पॉजिटिव सा नज़र आ रहा है राजस्थान का। और जिस तरह से अजिंक्य रहाणे जिस मोड में आ गए हैं बैटिंग करने के, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी वर्ल्ड कप में उनका नाम आएगा लेकिन नहीं आया, उसके बाद वो ऐसे खुलकर खेलना उन्होंने शुरू किया है, 1 शतक लगाया, 170 रन बनाए केवल 49 बॉलों में। सो वो जो ओपनिंग की समस्या हो रही थी राजस्थान की टीम के लिए वो उन्होंने भर दिए, जहाँ पर कि अगर दूसरी तरफ देखें सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बेस्टो के जाने के बाद थोड़ी सी परेशानी होने वाली है, क्योंकि बेस्टो और वार्नर के बीच जिस तरह की पार्टनरशिप्स हो रही थी उसकी वजह से बड़े टोटल्स चेस कर रहे थे। अगर पहले बैटिंग कर रहे थे तो बड़े टोटल्स बना रहे थे जो कि सामने वाली टीम के लिए मुश्किल हो रहे थे। सो दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन मैं जो मुकाबला देखना चाहता हूँ वो देखना चाहता हूँ राशिद खान को किस तरह से खेलते हैं पराग, क्योंकि वो मुझे बहुत इंप्रेस किया उन्होंने, उनका टेम्परमेंट बहुत अच्छा है। और अगर इनके अगेंस्ट भी रन्स बनाते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी उनका बढ़ेगा कि हाँ, एक और 17-18 साल का खिलाड़ी आ रहा है जो आगे आने वाले टाइम में
इंडियन टीम में शामिल हो सके। बिल्कुल, हमें जो रैन प्रयाग ने काफी प्रभावित किया है, लेकिन दूसरे जो खिलाड़ी प्रभावित करने चाहिए उन्होंने ऐसा नहीं किया है। विलियमसन अगर वापस आते हैं तो आपको लगता है कि वो बेस्टो की जगह भर सकते हैं, और साथ ही साथ गप्टिल जिस तरह से उनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो पाया वो भी एक यहाँ पर हैदराबाद की तरफ से एक विकल्प हो सकते हैं। देखिए, हैदराबाद की एक चीज मैं मानूंगा, चेन्नई के बाद एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसको पता है कि कौन सा प्लेयर बाय करना है। अगर आप उनको पता था कि अगर वार्नर जाएंगे कुछ मैच हुआ तो गप्टिल है उनके पास, और न्यूजीलैंड के विलियमसन है अगर वो वापस आ जाते हैं तो मुझको नहीं लगता कि उनकी टीम में कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क ये पड़ता है कि वो मैच नहीं खेले, एक्सपीरियंस उनको इंटरनेशनल जरूर है, पर आईपीएल में अगर आपका लय नहीं होगा स्टार्टिंग से तो रन करना मुश्किल होता है। तो ये चीज़ हमने कई टीमों के साथ देखी है। ये मुकाबला बहुत अहम है, अगर हैदराबाद यहाँ जीती है तो वो भी एक कदम दूर होगी टॉप फोर में पहुँचने के। तो मैं मान्य रखता है कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जीतेगा तो उसके चांसेस बने, क्योंकि राजस्थान के पास दो मैच रह जाएंगे, पर हाँ हैदराबाद तीन मैच है। तो यहाँ पर इक्वेशन थोड़ी ऐसी आ चुकी है कि एक ही टीम में रह, क्योंकि मुझको लगता है कि अब तीन टीमें तो निकल चुकी हैं, अब बाकी पांच में से एक ही टीम के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर बैलेंस टीम मनिंदर जी कौन सी ज्यादा नजर आती है, और अगर गेंदबाजी की बात करें तो कौन सी टीम ज्यादा आगे नजर आती है? भुवनेश्वर कुमार जिस तरह से उनको प्रभावित करना चाहिए था वैसे नहीं उस रंग में दिखाई पड़ा, लेकिन पिछले दो तीन मैचेस से थोड़ा सा लय में आए हैं वो, क्योंकि पहले कुछ मैचेस में उन्होंने लय पकड़ी थी, फिर उसके बाद बीच में कहीं रास्ता भटक गए। मुझे लगता है उनको इंजरी कंसर्न्स रहते हैं, और थोड़ा सा भी निगल हो इंजरी का फास्ट बॉलर के लिए तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता है, लेकिन पिछले दो तीन मैचेस से वो लय में आए। अगर आप बैलेंस की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हैदराबाद की टीम का बॉलिंग का बैलेंस बेहतर है। पिछले मैच में भी अगर राशिद खान ने अच्छी बॉलिंग की होती चेन्नई के अगेंस्ट तो वो भी मैच वो जीत जाते, वो एक वन ऑफ डे था राशिद खान का, अदरवाइज ओवरऑल बैलेंस उनका बेहतर है हैदराबाद का। लेकिन लय में आ रही है राजस्थान की भी टीम, सो ये बढ़िया मैच होना चाहिए, अच्छा मैच होना चाहिए, क्योंकि दोनों टीमों के लिए ये मस्ट विन वाला मैच। बिल्कुल, ये मस्ट विन है, और लेकिन मुकाबला जो है रोमांचक होना चाहिए, उम्मीद यही की जा रही है। और बात करते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स की, जो बैन की वजह से मुश्किलों में फंस गया है। एलेक्स हेल्स पर ड्रग टेस्ट में फेल होने की वजह से बैन लगाया गया है। हेल्स इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम का अहम हिस्सा है। हेल्स को कुछ वक्त पहले ही ड्रग्स के सेवन का दोषी पाया गया था। हेल्स को मौज मस्ती के लिए उपयोग में लाने वाले ड्रग्स के सेवन का दोषी पाया गया था और 21 दिनों के लिए उन्हें बैन कर दिया गया। हेल्स इस हफ्ते के अंत तक कार्डिफ में इंग्लैंड टीम के शिविर में जुड़ने वाले थे, ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी इंग्लैंड टीम के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, जहां भारत को एक और गोल्डन कामयाबी मिली। भारत की पूजा रानी ने दमखम दिखाते हुए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। पूजा रानी ने दमदार खेल दिखाते हुए चीन की वर्ल्ड चैंपियन वांग लीना को हराकर 81 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।